नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी समाचार। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नगर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी तमाम खबरों पर। शनिवार को रूअर गांव में हुई फायरिंग की घटना ने कुछ ही देर में तूल पकड़ लिया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी नीटू सिकरवार ने भी एक वीडियो जारी किया है कि मेरे भाई टिंकू पर जानलेवा हमला हुआ है, लेकिन यह सब बातें उस समय सिरे से खारिज हो गई जब सोनू तोमर ने अपना एक वीडियो जारी किया। वहीं पुलिस ने इस घटना के बाद सोनू तोमर को बीती रात ही गिरफ्तार कर लिया था। जानकारी के अनुसार अम्बाह तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम सुअर में नीटू सिकरवार के भाई टिंकू सिकरवार योगेंद्र सिंह तोमर ने शनिवार को थाने आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि टिंकू सिकरवार जब रूअर गांव में जनसंपर्क करने आए तो मैं भी उनके साथ जनसंपर्क के लिए निकल आया। तभी जनसंपर्क के दौरान बाबू तोमर की दुकान के सामने तिराहे पर सोनू तोमर व उसका भाई गब्बर, अभिषेक, अमर दो मोटरसाइकिल से आए और सोनू तोमर ने पिस्टल से मुझ पर चार फायर कर दी। जैसे जैसे मैं जान बचाकर वहां से भाग निकला, इस घटना में मेरे कान में चोट आई है। योगेंद्र तोमर ने अपने बयान में यह भी लिखवाया कि 2015 में सरपंची के चुनाव के चलते सोनू तोमर रंजिश पाले बैठा था। योगेंद्र तोमर की शिकायत पर पुलिस ने सोनू तोमर को गिरफ्तार कर लिया था। इससे पहले सोनू ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उसने कहा कि मुझे बीजेपी और कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, पूर्व सरपंच से मेरी आपसी रंजिश है, मेरे गांव में जो मेरे पास आएगा मैं उसका समर्थन करूंगा। जो सरपंच है पूर्व उससे मेरा आपसी रंजिश है, इसमें ना तो बीजेपी से मुझे मतलब है ना कांग्रेस से, जो मेरे पास आएगा मैं उसको समर्थन दूंगा। क्या नाम है पूर्व सरपंच? गुड्डू तोमर। वो तो पहले से मुझ पर झूठे केस लगा रहा है। 2021 में मैं जब जेल में बंद था तो मेरे भाई वगैरह पे सब केस लगाए झूठे, और अब भी पिताजी वगैरह सब फंसवा दिया। विकलांग भैया है मेरा, उस पर भी ना कोई गोली चली है, बीमा जब हुई जिसमें मेरी उंगली हुई उसने काटी है ये दांतों से। बारे में क्या जानकारी? कल जो घटनाक्रम हुआ है, सोनू एक रूअर का तोमर, सोनू तोमर है एक अपराधी है, और ये सूचना थी कल उसके द्वारा कुछ वहाँ का पूर्व सरपंच के ऊपर फायरिंग की गई, उस पर से 3 साल का अपराध पंजीबद्ध किया था। आज रात में सोनू को हमने गिरफ्तार कर लिया है, अभी उसका पुलिस रिमांड ले रहे हैं और उसके ऊपर उससे बरामदगी भी करना है और अन्य आरोपी को गिरफ्तार करना है, इसलिए पूछताछ करना है, तो आज उसको पेश करेंगे अभी और पीआर लेंगे।